के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का आज हल्ला बोल। दिल्ली के जंतर मंतर पर 360 गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसमें अभी फिलहाल आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें गांव के प्रधान कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए हैं। लेकिन संकेत जो इस महापंचायत से दिए जा रहे हैं वो ये कि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है ये प्रदर्शन बड़ा हो जाए और जो चुनाव आने वाले हैं दिल्ली विधानसभा के उस पर इसका बड़ा असर हो सकता है। इस तरह के जो संकेत हैं वो इस महापंचायत से दिए गए हैं। अब यहाँ लोग हैं मेरे साथ जो कि अलग अलग गाँवों से यहाँ पहुंचे हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ किसान हैं, कुछ गाँव के नॉर्मल लोग हैं जो इस महापंचायत को यहाँ पर उसमें शामिल होने के लिए अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं और अपने मुद्दे जो है वो सामने रख रहे हैं। आखिर क्यों ये महापंचायत, दिल्ली के ग्रामीणों को क्या है परेशानी, इन्हीं लोगों से जानते हैं। मुझे ये बताइए, आज महापंचायत हो रही है, 360 गांव के जो प्रधान रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शामिल हुए हैं, जो संकेत यहां से दिए जा रहे हैं वो ये कि अभी तो हम कम नंबर में आए हैं, बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, विधानसभा चुनाव पर भी असर हो सकता है अगर मांगे नहीं मानी गई। क्या मांगे हैं ये तो बताइए। देखिए, मुख्यतः हमारी जो मांगे हैं, 6-7 मांगे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वो मांगे हैं, एक तो हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी, दूसरी हमारी GDA पॉलिसी, जिससे कि हमारे दिल्ली देहात के 200 गांव प्रभावित होते हैं। ये 2013 में केंद्र सरकार की जो बॉडी है DDA उसने बना के तैयार कर दी थी, लेकिन आज 2024 तक वे पॉलिसियों को दबा के बैठे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे। गांव से हैं आप, क्या नाम है? मेरा सुखबीर डागर नाम है, मैं ढासा गांव से हूं, मैं किसान हूं और मैं खेती करता हूं नाम के लिए, लेकिन मेरे खेती की सुविधाएं मुझे किसी प्रकार की कुछ नहीं मिल रही है। मुझे ना तो सब्सिडी का कोई खाद मिलता, ना कोई बीज मिलता, ना मुझे टूल का कोई कनेक्शन मिलता, ना मुझे बिजली के कनेक्शन पर कोई सब्सिडी मिलती। नाम तो किसान के भी मतलब कहते हैं, लेकिन किसान है भी नहीं। हमें बुरी तरीके से इस सेंटर और राज्य की सरकारों के दोनों की लड़ाइयों में हम जो किसान हैं वो बुरी तरीके से पीस दिया है सरकार। दिल्ली का किसान, आखिर दिल्ली का किसान इतनी शिकायत कर रहा है और इतनी मायूसी दिखा रहा है, क्या है वजह? क्या नाम है आपको और आप कहाँ से? HK यादव, मेरा गांव जुलजुली है और मैं किसान यूनियन अध्यक्ष भी हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर। हमारे 2-3 मुद्दे ऐसे हैं दिल्ली देहात के जिसमें हमें डिवाइड किया गया था। एक तो मास्टर प्लान 2041 LG साहब से हम मिले, उन्होंने पास करके सेंटर में भेज दी, वो लाइंग विद होम मिनिस्टर। उससे पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई 2007 में, उसमें रेट हमारी ज़मीनों के 7-8 करोड़ रुपए थे उस टाइम। जब ये गवर्नमेंट चेंज हो गई, केजरीवाल गवर्नमेंट आ गई, आज रेट 53 लाख है, जो सर्कल रेट कुछ भी नहीं है। गुड़गांव में 20 करोड़ है, वो पॉलिसी अमेंडेड कराई हमने और सेक्टर बना दिए गए। लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लेकिन वो फाइल करे PMO में रखी हुई है। मंत्री से मिले पूरी साहब से, उस टाइम वो हमारे शहरी विकास मंत्री थे, बोला मैं करवा रहा हूँ, आज तक तो हुआ नहीं। उसके बाद सर्कल रेट यहाँ 53 लाख, गुड़गांव में 8 करोड़। हमारा क्या कि आपके करीब ही रह रहे हैं वो लोग, लेकिन वहाँ 2 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली और विलेज गुड़गांव नियर अबाउट, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी है, डेवलपमेंट हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी लागू नहीं करती। उनकी उन्होंने कहा भाई हमारी 7 सीट दे दो, 7 सीट दे दी। अरे हमने क्या दोष किया है? हम तो किधर के ना किसान रहे हैं, ना कुछ भी नहीं रहे हैं, ना कोई सुविधा है, ना डेवलपमेंट की। हम तो जो बाहर के लोग आ रहे हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम बोर सुविधा बनाएंगे, यहाँ हमें स्लम बना दिया है, लोग इतने अनुसाइज कॉलोनियाँ काटने लग गए। हम तो ना जमींदार हैं ना किसान हैं, ऐसा गाँव के 200 गाँव को बर्बाद करके छोड़ दिया है, फाइल वहाँ पड़ी हुई है, क्या हम निकालेंगे भाई? हम इनकी हाँ मिला रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, हम कह रहे तुम लेइए, हम क्या रहे रोक जगह, बड़ा शोषण किया जा रहा है हमारा, शोषण किया जा रहा है। आप एक युवा हैं, मुझे ये बताइए, मैं देख रही हूँ इस महापंचायत में युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, मुझे एक लैंड का मसला बताया, किसानों ने अपनी परेशानी बताई, और क्या मसले हैं? क्योंकि मैं जो आपकी मांगे देख रही हूँ, जो जगह जगह बोर्ड्स पे लिखी हैं, उसमें बिजली जो मीटर होता है उसका मुद्दा भी लिखा हुआ है, उसमें कुछ और मुद्दे भी लिखे हुए हैं। क्या माहौल है और किस तरह से गाँवों में इस वक्त दिल्ली की पॉलिसीज लागू हो रही हैं उसके बारे में? बहन जी, आज जो यहाँ पे महापंचायत, कौन से गांव से है, क्या नाम? बहन जी, मेरा नाम करमवीर सहरावत है, मेरा पोचनपुर गांव है, द्वारका सेक्टर 23 के अंदर मेरा गांव आता है,
आज जो यहाँ हम महापंचायत चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, जो हमारे पूरे दिल्ली में 360 गांव हैं उनके प्रधान हैं, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने आज पूरे दिल्ली के जो प्रमुख और सामूहिक मांगे हैं उनके लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ की समस्या ये है कि 2 दशक से ज़्यादा हो गए हमारी जो लैंड थी, जो किसानी की लैंड थी, 2003 में रिक्वायरमेंट हुई थी, आज सरकारों ने, दिल्ली सरकार ने रिकमेंडेशन रोक दी है, 16,000 आवेदन उस पर पेंडिंग पड़े हैं। तो हमारा अल्टरनेटिव प्लॉट का प्रमुख मुद्दा है। एक दूसरा जो अल्टरनेटिव प्लॉट सरकारों को देना होता है, वैकल्पिक प्लॉट किसान की जमीन के बदले में लेने में, जबकि हम दिल्ली वासियों का योगदान, अंग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने भगाया, यहाँ से मुगलों को भगाया, देश को आज़ादी दिलाने में इन दिल्ली के 360 गांवों की अहम भूमिका है, और इन्हीं गांव के साथ आज इतना दुर्व्यवहार हो रहा है इस बारे, इसलिए यहाँ पे ये महापंचायत बुलाई। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव पर लग रहा है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि संकेत तो आप लोगों की तरफ से कुछ इस तरह से है? बहन जी, गांव वालों का जो ये फैसला है कि हमें किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। एमसीडी जो है, गांव वालों के पास बचा क्या? अपना थोड़ा बहुत जो जमीन बची, थोड़ा किराए का है, उसमें एमसीडी ने जीना हराम कर रखा है। एमसीडी का हस्तक्षेप गांव में, एक्सटेंशन दिल्ली में एमसीडी का हस्तक्षेप, सीलिंग और डेमोलेशन बिल्कुल बंद की जाए, ये भी प्रमुख मुद्दा है। और हमारे जो 74-4 के जो किसान भाई हैं उनको भी इंदिरा गांधी स्कीम के तहत 83 में प्लॉट भी दिए गए और खेत भी दिए गए, लेकिन उनको आज तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। और हमारे पड़ोसी राज्य में हरियाणा में बजगेड़ा गांव आता है, उसका जो मुआवजा है वो 14 करोड़ है, और उसके साथ लगता गांव बिजवासन दिल्ली का गांव है, और पूरी दिल्ली में 54 लाख और हमारे पड़ोसी राज्य में 14 करोड़, इतना अंतर, इतना जो है दुर्व्यवहार दिल्ली ग्रामवासियों के पास। और सबसे बड़ी बहन जी, क्या आप लोग जो इस वक्त सरकार को कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कितने वक्त में सुलझ जानी चाहिए ये मुद्दे, वरना आगे क्या होगा, कुछ इस तरह की बातें मैं सुन रही हूँ कि यहाँ बाकी लोग? आज जो बहन जी, जो ये फैसला जो आज पंचायत लेगी सामूहिक रूप से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उसके बाद जब पंचायत का जो फैसला आएगा वो चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी सबको बताएंगे कि ये अनिश्चितकाल रहेगा या अल्टीमेटम दिया जाएगा या सरकारों को समय दिया जाएगा। वो चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी अब सबसे खाप के जो प्रधान हैं उनसे डिस्कस करके वो डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन बहन जी, जो गाँव का जो मुद्दा है, दिल्ली के ग्रामीणों के साथ अब दुर्व्यवहार देखिए, पूरे भारत में सब जो अपने ब्लड रिलेशन में लैंड ट्रांसफर फ्री में कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में ही ऐसा दुर्भाग्य है कि ब्लड में भी आपने लैंड को, अपनी लैंड को ब्लड में ट्रांसफर करना होगा तो 8% रेवेन्यू देना होगा। ऐसा दुर्व्यवहार दिल्ली के साथ क्यों, जिसने दिल्ली को अपने दिल भारत को सुरक्षित रखने में दिल्ली के ग्रामीणों का अहम रोल है। और आज की जो प्रमुख मानदेय है चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में 360 गांव मिलकर और डटकर फैसला लेंगे। देखिए, यहाँ पर महापंचायत 360 गांवों की यहाँ चल रही है, मैं तस्वीर जो है वो भी दिखा दूँ एक बार कि देखिए यहाँ पर महापंचायत जो है वो चल रही है, महापंचायत यहाँ पर, जिसमें ना सिर्फ यहाँ पुरुष बल्कि जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गांव की वो भी यहाँ पहुँची हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीर यहाँ की काफ़ी कुछ आज बयान कर रही है। तस्वीर ये बयान कर रही है कि आज जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं दिल्ली के, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और महापंचायत के बाद क्या फैसला ये पंचायत लेती है ये देखना होगा, ताकि आगे क्या कुछ संकेत इससे मिलेंगे वो समझना होगा। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से ये समझ आ रहा है कि जो मांगे हैं, जिसमें जमीन को लेकर जो इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, एमसीडी की जो पॉलिसीज हैं वो लागू नहीं हो पा रही हैं, और कुछ जो इन लोगों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, वो पूरी तरह से अगर नहीं सुनी गई, उस पर काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उनको ही तरफ से एक बड़ा संकेत या फिर एक बड़ी चोट सत्ता पार्टी को लग सकती है, वोट बैंक पर पार्टी के असर हो सकता है, कुछ इस तरह के संकेत यहाँ के पंचायत से मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ हेवी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.